प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के हिंदी के अध्याय सवये के साथ करेंगे और आज हम इस अध्याय के पहले और दूसरे भाग को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है रसखान, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में भी संकलित है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि रसखान कौन थे, उनका जीवन कैसा था और उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार की रचनाएं की। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक में संकलित सवयों का विषय जानेंगे कि किस प्रकार के विषयों का समन्वय कवि ने अपने सवये में किया है। इसके बाद हम उन सवयों का काव्य पाठ करेंगे और यह भी जानेंगे कि सवया कहते किसे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो चित्र है कवि रसखान का, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। विद्यार्थियों, इन्हें कृष्ण से बहुत ही अधिक प्रेम था। इन्होंने कृष्ण में इतनी गहरी आस्था प्रकट की कि हिंदी साहित्य के लिए अद्वितीय उदाहरण बन गए, जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति का ऐसा अद्भुत स्वरूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि लोग शब्दहीन हो गए। इनकी रचनाओं में प्रेम वाटिका और सुजान रसखान प्रसिद्ध हैं और यह दो रचनाएं ही रसखान की प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से भी देखने को मिलता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम पाठ्य पुस्तक में संकलित इनके सवये का विषय जानते हैं। विद्यार्थियों, सवयों में भक्ति परक विचार देखने को मिलता है। कवि किस प्रकार कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनसे अपना प्रेम प्रकट करता है, यह हम इन सवयों में देख सकते हैं। साथ ही इन सवयों में श्री कृष्ण की जीवन शैली के प्रति विशेष प्रकार का प्रेम दिखाया गया है, विशेष प्रकार की आस्था और श्रद्धा दिखाई गई है। सवयों में कृष्ण से जुड़ी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी प्रेम प्रकट किया गया है। विद्यार्थियों, आप सभी कृष्ण भगवान को तो जानते ही होंगे। रसखान ने अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण के जीवन शैली को अपनाने की विशेष प्रकार की इच्छा प्रकट की है। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं उनकी सवयों को और करते हैं उन सवयों का काव्य पाठ। Thank you.
विद्यार्थियों, जिस सवैये को अभी आपने सुना, ये रसखान का पहला सवैया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। अगर आप इस सवैये को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें चार पंक्तियां होती हैं। ये सवैये की पहचान है कि वह चार पंक्तियों में होगी। सवैये की और भी बहुत सी पहचान होती है जिसे हम अगले सवैये का पाठ करते हुए जानेंगे। तो आइए अगले सवैये का पाठ करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप इस सवैये को ध्यानपूर्वक देखें तो आप इस सवैये में दिए गए वर्णों की गणना कर सकते हैं। वास्तव में सवैया एक वार्णिक छंद होता है जिसकी रचना वर्णों की गिनती के अनुसार पर की जाती है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगला सवैया पढ़ते हैं। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजकी माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितामर ले लकुटी बन, गोधन गवारन संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा ना धारम। विद्यार्थियों, अभी हमने जाना कि जो सवैये होते हैं वे वार्णिक छंद होते हैं, उनकी रचना जो होती है वे वर्णों की गिनती के आधार पर की जाती है। अगर आप इस सवैये में वर्णों की गिनती करने लगे तो आपको सवैयों में 22 से 26 वर्ण मिलेंगे। सवैये की यह पहचान होती है कि उसकी चार पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगला सवैया देखते हैं। काननी दे उंगरी राहिबो, जबही उली धुन मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी ना जय हैं ना जय ना जय हैं। विद्यार्थियों, ये जो सवैया है इसे पढ़कर आप देख सकते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार का लय है और शुरू के दो सवैये जिसे हमने संगीतात्मक रूप में सुना, इन सबको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सवैये में गेयता होती है और ये एक विशेष प्रकार की मुक्तक शैली में लिखे जाते हैं। यानी जो पहला सवैया है वह अर्थ के लिए दूसरे सवैये पर निर्भर नहीं है और ना ही दूसरा सवैया पहले सवैये पर अर्थ के लिए निर्भर है। दोनों स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, इसीलिए ये सवैया जो है वह मुक्तक शैली में लिखा जाता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में हमने क्या कुछ पढ़ा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रसखान कौन थे, रसखान की रचना शैली कैसी थी इत्यादि। इसके बाद हमने जाना कि रसखान के सवैयों का विषय क्या है और सवैया कहते किसे हैं, इस पर भी हमने विचार किया। अगली वीडियो को देखने के लिए आप पाठ्य पुस्तक में संकलित सवैये जरूर पढ़कर आएं। इसको और सरल बनाने के लिए स्क्रीन पर जो सवैये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें लाल रंग के डिब्बे में रखा गया है,
उन्हें पढ़कर आए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि रसखान के कुछ सवैयों को पढ़ने वाले हैं और उसका अर्थ जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले रसखान के पहले दो सवैयों का प्रसंग जानते हुए उसका अर्थ भी जानेंगे। जब हम सवैयों का प्रसंग जान लेते हैं तो उसका अर्थ समझना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला सवैया जिसका हम पाठ कर चुके हैं उसका प्रसंग इस प्रकार है कि कवि कृष्ण की लीला भूमि से अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है। कृष्ण की लीला भूमि क्या थी विद्यार्थियों? ब्रज भूमि। ब्रज भूमि कृष्ण की लीला भूमि थी जहां पर उन्होंने बाल लीलाएं रची। कवि उनकी जीवन शैली से अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। उनके जैसा जीवन जीने के लिए कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं पहला सवैया और जानते हैं उसका अर्थ। पहले सवैये की दो पंक्ति हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के क्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य और बसों का अर्थ होता है बसना। ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालों के बीच में, क्योंकि रसखान की काव्य भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। इसीलिए विद्यार्थियों यहां पर शब्द के अर्थ एक विशेष प्रक्रिया से निकाले जा रहे हैं। पशु का अर्थ होता है पशु, बस का अर्थ होता है वश में रहना और चरों का अर्थ होता है चरता हो। नित यानी हमेशा, धेनु यानी गाय और मझारन यानी बीच में। तो आइए विद्यार्थियों अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है यदि इस संसार में किसी व्यक्ति ने जीवन लिया है और वह अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो वह वही है जिसने ब्रज गांव में, ब्रज लोक में अपना जीवन व्यतीत किया हो, जिसने जीवन के सभी आनंद ब्रज भूमि में लिए हो, उसी का जीवन सफल है। आगे कवि कहता है कि अगर किसी पशु का जन्म हुआ है तो पशु का जीवन तभी सार्थक है जब वह जो नंद बाबा की गायें हैं। नंद बाबा यहाँ पर श्री कृष्ण के पालक थे, श्री कृष्ण को पालने वाले थे, तो जो नंद की गायें हैं उनके बीच में रहता हो और चरता हो। आइए विद्यार्थियों अब हम अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। पहले सवैये की अगली पंक्ति है पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन। यहां पर पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, हरि छत्र यानी छत्र का अर्थ छाता यानी हरि ने जिसको छत्र बनाया हो, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र और धारण का अर्थ होता है धारण करना, खग का अर्थ होता है पक्षी, बसेरो यानी निवास करना, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, कूल का अर्थ होता है किनारा, कदंब एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है, धारण का अर्थ होता है शाखाएं। यहां पर कवि कहता है कि पर्वत जो है वह वही उत्तम है, उसी पर्वत को उत्तम माना जाना चाहिए, श्रेष्ठ मानना चाहिए, जिसे हरि ने, श्री कृष्ण ने धारण किया था। विद्यार्थियों एक बार अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी थी, यह वर्षा इंद्र के कारण हो रही थी। इस पर ब्रिज में रहने वाले लोग बहुत ही घबरा गए। इस पर श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तो कवि उसी
घटना का वर्णन करते हुए कहता है, उसी पर्वत का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि कोई पत्थर है तो वह पत्थर वही हो जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके छत्र बनाया था। आगे वे कहते हैं कि पक्षी वही है, उसी का जीवन सार्थक है जिसने यमुना नदी के किनारे कदंब नामक वृक्ष के डालियों पर अपना निवास बना रखा है, अपना बसेरा बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसखान ने अपने भक्ति भाव को किस प्रकार अपने सवयों में प्रकट किया है। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं वह चित्र है कदंब के पेड़ का। अब आप सभी कदंब का अर्थ भली प्रकार जान गए होंगे, तो आइए अब हम अगले सवये का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले आइए उस सवये का प्रसंग जानते हैं। इस सवये में जो कवि है उसने श्री कृष्ण से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उसके प्रति प्रेम प्रकट किया है। अब आप देखेंगे पहले सवये में कवि जो है वह कृष्ण के गांव का, कृष्ण के परिवेश का वर्णन कर रहा है, पर इस सवये में वो उनसे जुड़ी वस्तुओं का वर्णन कर रहा है और कवि साथ ही साथ कृष्ण की जीवन शैली से भी अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस सवये का अर्थ जानते हैं। सवया है, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारो, अटहुं सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। तो यहां पर या का अर्थ है इस, लकुटी मतलब लाठी, और कामरिया जब जो गवाले होते हैं अपने पशु को चराने के लिए जाते हैं तो वो एक लाठी और एक छोटा सा कम्बल अपने ऊपर रखते हैं, उसे कामरिया बोलते हैं। तिहु यानी तीनों, और पुर यानी लोक, तजी यानी त्याग करना, और डारो यानी दू। तो इसका पूरा अर्थ हुआ छोड़ दू। अठहुं सिद्धि यानी आठों सिद्धियां और नौ निधियां, सिद्धियां आठ होती हैं और निधियां नौ होती हैं। का सुख, नंद की गाय चराए, बिसारों का अर्थ होता है भुला देना, त्याग कर देना। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि ग्वालों की लाठी और कम्बल पर तीनों लोगों का सुख त्याग किया जा सकता है। क्यों त्याग किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा जीवन जो है वह रसखान ने श्री कृष्ण को जीते देखा है, और विद्यार्थियों ऐसा कहते हैं कि रसखान को श्री कृष्ण के दर्शन हो गए थे, और जब श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें हुए तो वह उन्हीं के जैसा जीवन जीने के लिए ललायित होने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने उनके जीवन शैली से जुड़ी चीजों को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के जैसा जीवन बिताने के लिए मैं आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को त्याग कर सकता हूँ। और श्री कृष्ण का जीवन कैसा था? श्री कृष्ण गाय चराते थे, वह एक ग्वाले थे, वह ग्वाले परिवार में रहते थे। तो कवि कहता है कि वह गाय चराने के लिए वह आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख त्याग सकता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है, रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कबौ यानी जब से, और सौ का अर्थ है से, तड़ाग का अर्थ है तालाब, और निहारो यानी देखता, कौटिक का अर्थ है करोड़ों, कल धौत का अर्थ है सोना, धाम का अर्थ है भवन, करिल एक प्रकार का वृक्ष होता है, जंगली वृक्ष होता है, जंगल में पाया जाता है, कुंजन का मतलब होता है लताओं का गुच्छ यानी लताओं का एक समूह घेरा, और वारों यानी निछावर करना, त्याग करना। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि कभी यदि मुझे श्री कृष्ण की जन्मभूमि को देखने के लिए एक अवसर मिल जाए, यानी मुझे
ब्रिज के वन और तालाब देखने को मिल जाएं, तो मैं उस दृश्य के लिए करोड़ों सोने के महल त्याग सकता हूँ। और विद्यार्थियों, वन में क्या होता है? वन में तो जंगली फूल और लताओं का गुच्छ होता है, लताओं का घेरा होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं जंगली करिल वृक्ष के लताओं के घेरे को देखने के लिए करोड़ों सोने के महल त्याग कर सकता हूँ। आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि कवि की भक्ति कैसी है, कवि का भक्ति भाव कैसा है, और कवि ने श्री कृष्ण की वस्तुओं से किस प्रकार अपना प्रेम प्रकट किया है, वह भी हमने इन सवयों में देखा। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने इन सवयों को पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक नहीं पढ़ा तो घर जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। घर से शेष सवये पढ़कर आए, स्क्रीन पर उन सवयों का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में कुछ और जानेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्ती, शिरा विन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास, पत्ती के रूपांतरण। पत्ती पार्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। ये गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां पर्वों के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रविसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है, क्योंकि ये भोजन का भी निर्माण करती है। एक प्रारूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीज पत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णधार फूल जाता है। जैसे ऐसे पर्णधार को पर्णवृंत तल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह इसका पर्णधार फूल गया है। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य की प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है, जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती है। इसके बीच एक सुस्पष्ट शिरा होती है, जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। शिरा विन्यास पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, जाली का शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है, तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समांतर होती है, उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ये प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। पत्ती के प्रकार पत्तियों के दो प्रकार होते हैं, सरल पत्ती, जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता, तब वे सरल पत्ती कहलाती है।
संयुक्त पत्ती। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसे पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक मध्य शिरा तक सारे कटाव पहुंच रहे हैं और पत्ती को छोटे छोटे पत्रकों में तोड़ रहे हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है, पीछाकार संयुक्त पत्ते और हस्ताकार संयुक्त पत्ते। पीछाकार संयुक्त पत्ते में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी एक्सिस को जो मध्य शिरा के रूप में होते हैं उस पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है। हस्तकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े होते हैं। उदाहरणतः सिल्क कॉटन वृक्ष पर्ण विन्यास तने अथवा शाखा पर पत्तियों का विन्यास रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये प्राय तीन प्रकार के होते हैं, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक कांट पर एकांतर रूप में लगी रहती है। इसके उदाहरण है सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस और अमरूद। चक्करदार, यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे एल्स्टोनिया, जिसे हम डेविल ट्री भी कहते हैं। पत्ती के रूपांतरण, पत्ती को भोजन बनाने के लिए अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरण होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर और रक्षा करने के लिए शूल कांटों में जिसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्याज तथा लहसुन की गुत्तेदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती है। पौधों में पर्णवृत्त फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है। इसका उदाहरण है घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस वीडियो में हमने सीखा पत्ती शिरा विन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास और पत्ती के रूपांतरण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्प क्रम, पुष्प और पुष्प के भाग के बारे में। धन्यवाद। में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में हिंदी के अध्याय सवाये को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ा। आइए जानते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम क्लास 9th में इंग्लिश के चैप्टर द फन दे हैड को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 11th में इंग्लिश के चैप्टर द एड्रेस को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा
इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।